मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, ये बात सभी नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र में चल रहे नाटकीय सियासी घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी की 30 साल की दोस्ती तोड़ने वाली शिवसेना को अजीब संकट में फंसा दिया है। एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ बैठक और सोनिया गांधी को फोन लगाने के बाद भी उद्धव ठाकरे सोमवार को तय समय पर राज्यपाल को दोनों दलों के समर्थन की चिट्ठी नहीं सौंप पाए। महाराष्ट्र में अब सबकी नजरें शरद पवार पर टिकी है। राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। आज रात 8:30 बजे तक समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपना है। इस पूरी सियासी नाटक में शिवसेना अजीबोगरीब स्थिति में है। ये भी माना जा रहा है कि एनसीपी के साथ गठबंधन पर ना ही सीएम कुर्सी की जिद छोड़ सकती है और ना ही शिवसेना को अब बीजेपी के पास सम्मानजनक लौटने का विकल्प है। उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम ये जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है, होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है। आप सबने देखा कि सुबह 10 बजे से शाम को 7:30 बजे तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, जयंत राव, छगन भुजबल साहब, तटकरे जी, धनंजय मुंडे जी, सब हम, प्रफुल्ल पटेल जी, हम वहाँ वो लेटर की राह देख रहे थे। सुबह हमें बताया कि सुबह की मीटिंग होने के बाद मिलेगा, फिर उसके बाद बताया कि 4 बजे वापस मीटिंग है, फिर 4 बजे की मीटिंग के बाद पता चला कि थोड़ा देर हो रही है, फिर उसके बाद 7:30 का वो टाइम था क्योंकि कल 7:30 बजे तक ही उनको लेटर देना था, तब तक लेटर उनका आया नहीं, तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई और जो भी डिसीजन होगा वो दोनों ने साथ मिल के ही लेना चाहिए। मिल के बनाएंगे, भले वो गवर्नमेंट अपने ये प्रेसिडेंट का रूल लाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बनेगी तीनों पार्टी की मिलके। और शिवसेना को ऐसे भी एनडीए से निकाला गया है तो उनको बचा के रखना ये सबकी जिम्मेवारी हो, और मैडम हो या कांग्रेस हो, ये सब प्रोसेस में है और आगे चलकर गवर्नमेंट शिवसेना का सीएम बनेगा और सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। वेट एंड वॉच ये भूमिका के साथ हम ध्यान रखे हुए हैं। अब इस पूरी सियासी उथल पुथल पर बीजेपी और शिवसेना की नजर है और बीजेपी ने तो पहले ही कह दिया है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर महाराष्ट्र में सरकार किसकी होगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।